राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के पास नर्सिंग घोटाले और अग्निपथ योजना के खिलाफ नर्सिंग स्कैम, नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में हुई धांधली के विरोध में NSUI ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि सीएम हाउस घेरने निकले कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई और अश्रु गैस के गोल भी छोड़े गए हैं। वहीं प्रदर्शन के पहले मंच के सामने कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस और जिला प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की थी। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी दीवार बनाई गई। वहीं रेड क्रॉस अस्पताल के सामने बैरिकेडिंग की, लिंक रोड नंबर 1 के सामने एक साइड का ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आज हम पर जो बल प्रयोग, पानी की बौछारें और आंसू गैस का प्रयोग किया गया, उससे यह संदेश गया है कि आप सभी ने भाजपा को वोट दिया, फिर भी वे आपके बच्चों के भविष्य का गला घोट देंगे। हमारा विरोध जारी रहेगा, हम कल FIR दर्ज कराएंगे। मैंने कहा कि प्रदेश का ये मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठी चार्ज का, आंसू गैस का, ये प्रदेशवासियों आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके बच्चों के गले को घोट देंगे, भविष्य के गले को घोट देंगे। नीट की एग्जाम हुई, नर्सिंग की एग्जाम हुई, पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई, कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी RSS के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो, प्रदेशवासियों आप इनको वोट दो या आपके बच्चों का भविष्य का गला रौंद देंगे, बस इतना ध्यान रखो। ये चोट अपनी जगह हो सकती है, ये वाटर कैनन जेल अपनी जगह हो सकती है, पर प्रदेश के लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। 3C की सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। कल हम FIR लिखाने कांग्रेस पार्टी जाएगी मुख्य अभियुक्त के खिलाफ, और परसों नरेला में 18 तारीख को पद यात्रा करेगी।